हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं इंद्रसेन लिल्हारे फिर से हाजिर हूँ फायर सेफ्टी से संबंधित जानकारी भरा एक नया वीडियो लेकर। आज का विषय शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ फायर सेफ्टी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले, और यदि जानकारी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे फायर फाइटर्स द अनसंग कोरोना वॉरियर्स के बारे में। दोस्तों, इस महामारी के समय में पूरी दुनिया कोविड 19 से बचने के लिए प्रयासरत है। हमारे देश में भी महामारी ने अपने पैर पसारे हैं और हजारों लोग कोरोना के इन्फेक्शन की गिरफ्त में आ चुके हैं और हजारों लोग असमय काल के ग्रास बन गए हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कई समाज सेवी संस्थाओं द्वारा दिन रात जरूरतमंदों की मदद की जा रही है और ऐसी कई सरकारी आवश्यक सेवाएं यानी इसेंशियल सर्विसेस है जो घर से बाहर अपनों से दूर जान पर खेलकर देश की जनता की सेवा में लगी हुई है। दोस्तों, वैसे तो बहुत सी सरकारी आवश्यक सेवाएं और उनसे जुड़े कर्मचारी आपको कोरोना से बचाव के लिए अविराम आपकी सेवा में तत्पर है। जैसे बॉर्डर को दुश्मनों से बचाने के लिए सेना के जवान, समुद्री सीमाओं को सुरक्षा के लिए इंडियन नेवी, हवाई हमलों से बचाने के लिए और दुश्मनों के दांत खट्टे करने के लिए एयरफोर्स। दोस्तों, आज भी बालाकोट एयर स्ट्राइक याद करके फक्र से सीना चौड़ा हो जाता है ना। आगे मेडिकल टीम, जिसमें डॉक्टर्स और अन्य मेडिकल स्टाफ के समर्पण को सालों तक भुला नहीं पाएंगे, और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कर्मचारी और सफाई कर्मचारी, जिनका योगदान इस कोरोना काल में सराहनीय है। लेकिन दोस्तों, इन सभी आवश्यक सेवाओं में एक सरकारी डिपार्टमेंट ऐसा है जो कोरोना से लड़ाई में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है, वह है फायर डिपार्टमेंट और फायर कर्मचारी। जिस प्रकार मानव समाज अपराध मुक्त रखने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट की जरूरत होती है, ठीक उसी प्रकार देश व समाज को सुरक्षित रखने के लिए दमकल की यानी फायर डिपार्टमेंट की जरूरत है। विदेशों में फायर डिपार्टमेंट को सदैव सम्मान दिया जाता है और वहाँ का प्रशासन और सरकार फायर डिपार्टमेंट की जरूरत की सभी वस्तुएं मुहैया कराने का हर संभव प्रयास करती है। लेकिन हमारे देश में दिल्ली, महाराष्ट्र या एक दो और राज्य को छोड़ सभी राज्यों में फायर डिपार्टमेंट प्रशासन की उदासीनता का शिकार बना हुआ है। फ्रेंड्स, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इतनी महत्वपूर्ण और आवश्यक आपातकालीन सेवा होने के बावजूद फायर डिपार्टमेंट में पर्याप्त साधनों की कमी बनी हुई है, और बहुत से राज्यों में तो वर्षों से फायर डिपार्टमेंट में भर्तियां रुकी हुई है। दोस्तों, एक प्राप्त आंकड़े के अनुसार भारत में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा हर साल लगभग 9000 फायर फाइटर्स की भर्तियां की जाती है, जबकि सरकारी फायर विभाग में हर साल लगभग 19000 फायर फाइटर्स की जरूरत महसूस की जाती है। हाँ दोस्तों, मैं उन्हीं फायर फाइटर्स या अग्निशमन कर्मचारियों की बात कर रहा हूँ जो सदैव लोगों की सुरक्षा के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाते हैं, चाहे महामारी हो, भूकंप हो, बाढ़ हो, तूफान का प्रकोप हो या कोई और आपदा की घड़ी हो, आप इन्हें अपने सामने पाएंगे। फायर फाइटर्स भी सेना के साथ या कई बार सबसे पहले मुसीबत में फंसे लोगों को बचाने के लिए अपनी जान दाव पर लगाकर जाबाजी दिखाते हैं और लोगों की रक्षा करते नजर आते हैं। फायर फाइटर्स न किसी प्रशंसा की लालसा रखते हैं, न ही किसी खास पहचान की। फायर फाइटर्स चुपचाप अपने फर्ज को अंजाम देने में हमेशा विश्वास रखते हैं। दोस्तों, आज़ादी के बाद से हम देखते आए हैं कि हमारे देश में कोई बड़ी दर्दनाक घटना जिसमें लोगों को जान गंवानी पड़ी है, ऐसी घटना घटते ही सोया हुआ प्रशासन जाग जाता है और हमारे नेता मंत्री कुंभकर्ण की नींद से जाग जाते हैं। लेकिन ऐसी घटनाओं के बाद भी आपातकालीन सेवाओं की हालत
जस की तसी बनी रहती है। हमारे देश में आज भी ये आपातकालीन सेवाएं जैसे फायर डिपार्टमेंट आज भी कई प्रकार की कमियों से जूझ रहा है और प्रशासन द्वारा फायर डिपार्टमेंट की कई जरूरतों को गैर जरूरी मानकर पूरा नहीं किया जाता, जिसके अभाव में फायर फाइटर्स को फायर फाइटिंग के दौरान या राहत और बचाव कार्य के दौरान कई परेशानियों से दोचार होना पड़ता है। फिर भी इनके डेडिकेशन या समर्पण में और अपने काम के प्रति ईमानदारी में कभी कमी नहीं आती। आज कोरोना काल का ही उदाहरण ले लीजिए, फायर डिपार्टमेंट के कर्मचारी और फायर फाइटर्स दिन रात अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपने अपने गली मोहल्लों में इन्हें घरों को, बाजारों को या सड़कों को सैनिटाइज करते जरूर देखा होगा, लेकिन इनके लिए कितने लोगों ने तालियां, घंटियां या थाली बजाई पता नहीं। इनके भी घर परिवार है जहां परिवार वाले इनका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इस बात से बेअसर फायर फाइटर्स आपको घर मोहल्ले को सैनिटाइज करते जरूर नजर आएंगे। दोस्तों, यदि बात सिर्फ देश भर में जारी लॉकडाउन की करें तो इस दौरान पूरे देश में लगभग 312 छोटी बड़ी आगजनी की घटनाएं सामने आई हैं। और दोस्तों, इस दौरान कई लोगों की जान और उनकी संपत्तियों की रक्षा की इन जाबाजों ने, लेकिन दुनियादारी की चकाचौंध से दूर अपने फर्ज को अंजाम देते ये फायर फाइटर्स किसी ऊंच नीच की परवाह नहीं करते और हर मुसीबत में फंसे की मदद को तत्पर रहते। हम देखते हैं कितने ही फायर फाइटर्स ने लोगों की जान बचाने के लिए खुद को आग में झोंक दिया और शहीद हो गए। इनके हौसले चट्टानों की तरह मजबूत है, शरीर और मन से एक योद्धा। दोस्तों, यदि आपको मेरी कही इन बातों में जरा भी सच्चाई नजर आती हो तो अगली बार किसी फायर फाइटर्स को देखकर ताली बजा देना, उनके साहसिक कार्यों के बदले उन्हें धन्यवाद कह देना। देखना, ये अनसंग कोरोना वॉरियर्स जरा सा मुस्कुराकर फिर कर्तव्य परायणता की प्राप्ति के लिए अग्रसर हो चलेंगे। जय हिंद, जय सुरक्षा।